Hello students, today I am here with a new topic, that is story writing for class 5th. Yani kahani likhna. Ek choti kahani aap kaise likhenge? As you can read here, when we start a story, we must follow some rules. यानी जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है. अ गुड स्टोरी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एक अच्छी कहानी में निम्न गुण होने चाहिए. कौन से? नंबर वन, द स्टोरी शुड हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड. यानी एक कहानी में एक अच्छी शुरुआत, अच्छा मध्य और एक अच्छी समाप्ति होनी चाहिए. सेकेंड, इट हैज़ कैरेक्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी. इसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी पात्र होने चाहिए जो उस स्टोरी में कार्य करते हैं. थर्ड वन, एज यू कैन सी हियर, इट हैज़ अ प्लॉट और सम इंटरेस्टिंग एक्शन. इसमें एक प्लॉट होता है, यानी भूमिका होती है या कुछ रुचिकर कार्य होता है. इंटरेस्टिंग एक्शन यानी एक आकर्षित करने वाला रुचिकर कार्य. फोर्थ वन स्टेप इज, वी यूज पास्ट टेंस टू राइट अ स्टोरी. इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टोरी दैट वी शुड यूज पास्ट टेंस. यानी हमें हमेशा भूतकाल का प्रयोग करना चाहिए. हम हिंदी में भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक बार एक राजा था. ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी हम कैसे राइट करेंगे? पास्ट टेंस में राइट करेंगे. फॉर एग्जांपल, वंस देयर वाज अ किंग. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, वी कैन यूज़ डायरेक्ट स्पीच, इंटरजेक्शंस, एक्सप्रेशंस एंड कॉन्ट्रेक्शंस इन अ स्टोरी. यानी हम एक डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं वो इंटरजेक्शंस, यानी ओ, अलास, आह, इस टाइप की वर्ड्स जो होते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. एक्सप्रेशंस जो आपके भाव होते हैं, जैसे हंसने का है तो हा हा. एंड कॉन्ट्रेक्शंस, और जब हम कॉन्ट्रेक्शंस का मीनिंग क्या होता है? संकुचित कर देना. जैसे इट का हमने कहना है कि इसका, तो हम क्या कहेंगे? इट्स इन अ स्टोरी. यानी हम इन चीज़ों को अपनी स्टोरी के अंदर डाल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज टू लर्न वाइल राइटिंग अ स्टोरी, दैट इज़ अ स्टोरी शुड बी गिवन अ सुटेबल टाइटल एंड एंडेड विद अ मोरल. यानी एक अच्छी कहानी का एक उचित टाइटल होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, और उसकी पास एक अंत में जो शिक्षा देते हैं वो भी, या सजेशन जो भी होता है वो सब होना चाहिए. सेवंथ रूल फॉर द स्टोरी राइटिंग इज़, इट मे बी गिवन इन आउटलाइंस. आपको ये आउटलाइंस में भी दिया जा सकता है, उसको आपको कंप्लीट करना है. एग्जांपल इज़ गिवन हियर, एज यू कैन सी द ग्रेप्स आर सो. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ फॉक्स, ग्रेप्स, ट्रीज, जंगल एटसेट्रा, एंड हेयर आर क्लूज गिवन इन अ येलो बॉक्स. आफ्टर दैट देयर इज एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी. यू आर टू कम्प्लीट दिस स्टोरी विद द यूज ऑफ दीज क्लूज. आई हैव रिटर्न अ फुल स्टोरी फॉर यू आफ्टर लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. एज यू कैन सी हेयर इज अ फॉक्स इन द जंगल, एंड Now its mouth is watered. Why its mouth is watered? On seeing the grapes, and it is trying to reach them. And in last scene, you are looking at the fox is going, having tears and with a sadness. Now let me explain this story. First of all, you are to mention the day and date in your fair notebook. After that, you are to give title story. The grapes are sour, yani angoor khatte hain. Once a fox
वॉज वेरी हंग्री। एक बार एक लोमड़ी बहुत भूखी थी, एज इट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसको काफ़ी लंबे समय तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था। इट स्ट्रॉल्ड इन सर्च ऑफ फूड, यह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रही। इट सर्च्ड ऑल अलोंग द जंगल बट इट्स एफर्ट्स वर इन वेन, इसने पूरे जंगल को छान मारा, खोज मारा, लेकिन इसके सारे प्रयास विफल हो गए, यानी वह फेल हो गई। इन वेन का मतलब क्या होता है? फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल होना। नेक्स्ट, यू कैन सी हियर देयर वॉज अ गार्डन नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास एक बगीचा था। इट वेंट देयर इन सर्च ऑफ फूड, ये वहाँ पर भोजन की तलाश में गई। देयर इट सॉ द बंचेस ऑफ ग्रेप्स, वहाँ इसने अंगूरों के गुच्छे देखे। राइप ग्रेप्स वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, पके हुए अंगूर कहाँ लटके हुए थे? एक वाइन, यानी अंगूर का जो बेल होती है उसे हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, लता पर उस पर टंगे हुए थे। इट्स माउथ बिगिन टू वाटर, इसके मुंह में पानी आ गया। इट वॉन्टेड टू ईट देम, यह उन्हें खाना चाहती थी। सो इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू रीच देम बट इन वेन, इसने बार बार कूद लगाई, इसने छलांग लगाई कि वो उन तक पहुंच सके, लेकिन फेल हो गई, फिर से फेल हो गई। द ग्रेप्स वर हैंगिंग वेरी हाई, अंगूर तो बहुत ऊंचे लगे हुए थे। इट कुड नॉट गेट देम, ये उन्हें नहीं प्राप्त कर सकी। एट लास्ट इट गेव अप द अटेम्प्ट एंड वेंट अवे सेइंग द ग्रेप्स आर सो, अंत में इसने सारे प्रयास करने छोड़ दिए और ये कहते हुए दूर चली गई कि अंगूर तो खट्टे हैं। मॉरल, यानी इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट इट इज़ नॉट वर्थ द ट्राई, यानी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, बजाय कि हम बहाने बनाएं कि यह कार्य तो प्रयास के काबिल ही नहीं है। और यू मे से ट्राई ट्राई अगेन, यानी कोशिशें करते रहो करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गॉट दिस स्टोरी वेरी वेल एंड यू आर टू राइट दिस स्टोरी इन योर फेयर नोटबुक नीटली एंड लर्न इट होल हार्टेडली। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ फिट एंड हेल्दी विद योर पेरेंट्स। बाय।